प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्मृति चित्रण में एक और चित्र देखने वाले हैं। उसके पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पे हम लोगों ने कल बाल्टी देखी हुई थी कि बाल्टी या बकेट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो बकेट का तरीका देखा था और आज जो है हम लोग जो कढ़ाई है उसके बारे में देखेंगे कि कढ़ाई का चित्रण हमें कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते होगे कि हमने यहाँ पे एक अक्ष या एक्सिस खींची है और सेम वही हम क्या करेंगे यहाँ पे भी। मान लीजिए दो पॉइंट लगा लेते हैं या आपका डॉटेड लाइन से भी खींच सकते हैं। ठीक है, या मान लीजिए आपका नीचे भी खींच सकते हैं, कितना भी खींच लो, ज़्यादा कम। ठीक है, तो अभी क्या है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे दो पॉइंट ले लिए, ठीक है, और हमने यहाँ पे जो ये चीज़ हमें सभी में करनी पड़ती है कि इसको मिलाना पड़ता है। ठीक है, जो ऊपर का हिस्सा ये मुंह है वो हमें मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम नीचे भी सेम ऐसे ही मिला लेते हैं। ठीक है, इसको आप डबल भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी चौड़ाई ज़्यादा है तो आप इसको चौड़ाई को कम भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने मान लीजिए नीचे भी एक जो है डिस्टेंस लिए, तो अभी हम ठीक है, तो दूसरी साइड से भी उस डिस्टेंस को मिलाएंगे। तो ये आप देख रहे होगे थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके मान लीजिए थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं और इसको जो है और बना लेते हैं। ठीक है, इसको हम फाइनल लूप अभी देंगे दोबारा फिर से, इसको भी हम हल्का सा मोटा या डबल कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्या है, यहाँ पे ये इसके पकड़ने की जगह बनाई हमने। ये इस तरीके का इसलिए बनाया है, ये बनाने में आसान बनेगा पड़ेगा आपको। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ जहाँ आपको सिमेट्री ना लगे वहाँ आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे आप बनाते जाओगे आपके चित्र में आपको सिमेट्री भी दिखती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग वैसा कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्या है कि यहाँ पे थोड़ी और इसको ऊंचाई देनी है।
ठीक है, ये क्या है आपका एक्स्ट्रा जो लाइंस या आपकी जो एक्सेस हम लोगों ने बनाए हुए थे इसको हम हटा सकते हैं। और मान लीजिए आपको यदि बेस देना भी है तो हम यहाँ पे थोड़ा डार्क बेस दे देते हैं, ठीक है। तो एक तरीका तो आपने इसको इस तरीके का सीखा, एक तरीका हम और क्या कर सकते हैं कि यदि हर चीज़ हम यदि गोल या आपका इस तरह से सिमेट्री वाली दिखा रहे हैं तो यहाँ पे भी गोल ये आपका पकड़ने के लिए जो उसके हैंडल हैं उनको दिखा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और आप चाहो तो इसमें हल्का सा शेडिंग भी दे सकते हो। आपने बच्चों यहाँ पे देखा होगा कि हमने यहाँ पे शेडिंग दी है ऐसे, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ का जो सेकंड लाइन है वो हटा सकते हो, क्यों, क्योंकि जब आप कढ़ाई को यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ पे इसको यहाँ पे तक मिला सकते हो, ठीक है। तो बच्चों ये आपकी एक बहुत ही सिंपल और बेसिक टाइप की कढ़ाई रेडी हो गई, इसको हम यहाँ पे कढ़ाई लिख देते हैं। ठीक है, तो ये कढ़ाई में आपको यदि कुछ और भी डिजाइन निकालना हो जैसे तो आप लोगों को यदि और भी डिज़ाइन निकालना है या कुछ और भी ऐड करना है तो वो भी आप लोग इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी फूल वूल भी ये सब भी निकाल सकते हो,
ठीक है, तो आप लोग कुछ कुछ भी और भी ऐड कर सकते हो, बस आप लोग को हमारा मेन जो एम रहता है वो ये है कि हमारा आकृति ठीक दिखाई देनी चाहिए, या आकृति को हम अच्छे से अच्छा और कैसे रेडी कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको कुछ बड़ा छोटा या कुछ और भी चेंजेस इसमें लगे तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये आपकी जो है कढ़ाई रेडी हो गई, तो आप लोग इसको भी बनाइए। इस तो स्मृति चित्र में हमारे काफ़ी सारे चित्र हो गए हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाल्टी हम लोगों ने बनाया था, या केतली बनाई थी, सुराही है, किताब है, आपका ग्लास है, फिर उसके बाद लोटा है, बॉटल है, जग है, कप प्लेट है। तो इतने सारे चित्रण होने के बाद अब आप लोग प्रैक्टिस कीजिए सारी, और जो भी आपको नया डिज़ाइन लगे या आप लोग को कुछ और सजेशन लगे, आप लोग को जो भी कुछ भी समझ में आए, जिस भी टॉपिक के बारे में भी बात करनी हो, चाहे वो फूल से रिलेटेड भी हो या फिर आपका फल और सब्जियों से भी रिलेटेड हो, तो उसके बारे में भी बात कर सकते हैं, या कलर के बारे में भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए, और इसके स्क्रीनशॉट वगैरह फ़ोटो के भी शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।